दोस्तों पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जहां आपका कोई अपना भी नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद, और आपका दिमाग भी अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ये सिर्फ आपकी कल्पना हो, क्योंकि आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानने वाले हैं जो अपनी छोटी सी एक बोट पर इस स्पेसिफिक ओशन में खो गया था, और वो भी सिर्फ एक या दो दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। इस शख्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहकर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड किसी तरह भी बना हो लेकिन ये बहुत ही भयानक था। इसके लिए किसी को कितने भी पैसे दिए जाए वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कल्पना भी नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोसेस नाम के इस शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 6 से 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा, क्योंकि समंदर में 14 महीनों तक रहना कोई आम बात नहीं। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। दरअसल ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गाँव कोस्टा यजुल में जोसे एल्वेरिंगा नाम का ये आदमी रहता था। जोसे उस वक्त करीब 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। फिर 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। दरअसल इनका प्लान था कि समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, इसी वजह से ये दोनों अपनी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान नहीं रखते हैं। और इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बेकार दिन होने वाले हैं। फिर वो मैक्सिको के पोल से फिशिंग के लिए 120 किलोमीटर दूर चले गए और अपना जाल समंदर में मछली पकड़ने के लिए बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक भयानक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस पोल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते हुए सुबह के 7 बज गए। अब वो पोर्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनका अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे लेकिन शायद उस तूफान ने इनको अपना टारगेट बना लिया था, क्योंकि पोर्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन गाइस उनके पास रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का बहुत समय तक इंतजार किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर मछुआरा का घिनौना खौफ होता है। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना स्टार्ट कर दिया था और जो पोर्ट उनको नजर आ रहा था वो भी धीरे धीरे करके उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको स्पेसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी ज्यादा मुश्किल समझा जा रहा था। अब इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को पोल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब वो समंदर के ऐसे पार्ट में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी देखा नहीं जा सकता और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब बहुत ही कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो सिर्फ एक दिन का था, इसलिए वो बहुत ही पहले खत्म हो चुका था। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था जो उनकी उस छोटी सी बोट पर आकर बैठते थे या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़ कर कच्चा खाने लगे। और प्यास बुझाने के लिए समंदर का खारा पानी पी नहीं सकते थे क्योंकि खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाले प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर
ली ने ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी इतने दिनों का ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोश के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। और गाइस जोश इसलिए ज्यादा परेशान था क्योंकि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती थी। मैक्सिको के पोर्ट को छोड़े अब पूरे 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। फिर एक दिन जोश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहले शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसके फिर से जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह की इशारे किए लेकिन जोश की किस्मत इतनी खराब होती है कि शिप को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। अच्छा आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी अनदेखा करके चला जाए तो कैसा लगेगा। फिर 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। इतने दिनों तक समंदर में रहने से उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर ही बची थी। लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई और 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने अपने आसपास पानी में नारियल को तैरते हुए देखा और फिर वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल पेड़ों से टूट टूट कर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसका यह सोचना सही साबित होता है क्योंकि एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इसे मिस न हो जाए, इसी वजह से वो पानी में छलांग लगा देता है और तैर करके आइलैंड पर पहुंच जाता है। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जहां पर कुछ लोकल लोग मौजूद थे। पिछले 438 डेज में जोश का पहली बार किसी दूसरे इंसान से बातचीत हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉर्न ओटोल कहा जाता है और ये आइलैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 1,000 किलोमीटर दूर है। अब ये भी जोश की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे से डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो अगला स्टॉप फिलीपींस में होता जो गाइस इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोश को वापस अपने घर भेज दिया गया। अब इतनी मुसीबतों से बसते बसते जब जोश अपने घर पहुंचा तो उसे एक और मुसीबत ने घेर लिया। वापस पहुंचने पर जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया, वही साथी जिसने टॉर्चर न सहने की वजह से सुसाइड कर लिया था। लेकिन वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक भी पब्लिश की। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो और ये रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।